भाई साहब नमस्कार जी सबको। नमस्कार नमस्कार। आज पूरी पंचायत बैठी है तो सबसे पहला सवाल यही है कि पंचायत इकट्ठी होने का जो कारण है वो हम अब हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएंगे जी। आज आप लोग सब हैप्पी मूड में हो और यहाँ भीम सिंह जी के फार्म पे क्यों इकट्ठे हुए हैं सब लोग भाई लोग? ये आप सब लोग आए जी, मैं एक भाग्यशाली आदमी हूँ जो मेरे पास में इतनी अच्छी घोड़ी है जिसने अच्छे अच्छे घोड़ा पैदा किए, तभी आप सब मेहमान पंजाब से महाराष्ट्र से गुजरात से सब यहाँ पधारे जी, तो मेरे को बहुत खुशी है। और आज ये सब पंचायत इकट्ठी हुई है जी आपके यहाँ, इन्होंने एक बहुत खूबसूरत घोड़ा जो इनका भी पिछले 2-3 साल से ड्रीम था आपने इनको दिया है, तो उस घोड़े के बारे में आज हम पहले बात करेंगे। उस घोड़े का क्या नाम है जी? उस घोड़े का बनू भाई अभिजीत नाम है जी, अभिजीत। और अभिजीत का सायर सारंग रोहितगढ़ जी, ग्रैंड सायर आलीशान। तो रोहितगढ़ में आलीशान जब रहा तो उसका फायदा आपने पूरा उठाया है? बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि पंजाब से भी लोग घोड़ियां लेके आते रहे, बहुत बार वो प्रेग्नेंट ही नहीं होती थी। बिल्कुल। तो अभिजीत की अभी उम्र कितनी है सर? ये 54 महीने का हो गए। ओके जी, तो दांतों के हिसाब से बोले तो स्टैलियन बन गया? बिल्कुल बन गए। ठीक, अब अगर वो स्टैलियन बन गया जी, तो अभी तक ये पंचायत ये भाई लोग जो इतना ड्रीम लेके आए हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वो घोड़ा शो में हिट ना हुआ हो। तो अभी तक उसने कितने शो जीते जी? इसने भाई साहब 800 जीते। ठीक है जी, जिसमें 500 इसने अदंत में जीते। ठीक है जी, 200 दो दांत में जीता जी। और पहली बार मैंने इसको स्टेलियन रिंग में लगाया, जोधपुर ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स एसोसिएशन जो जोधपुर शो करवाते हैं जी, उस शो में लगाया। और वहाँ है ना नामचीन बड़े बड़े घोड़े थे जी, कई शो विनर थे जी, और ये पहली बार लगा और वहाँ सेकेंड आए। वेरी गुड जी। इससे पहले जो इसने शो जीते उसमें और कौन कौन से शो ये जीत के आया जी? ये इसने अदंत के अंदर जोधपुर शो जीता ही जीता। ठीक है जी, जोधपुर शो तो इसने अदंत ही जीता, दो दांत भी जीता और स्टेलियन रिंग भी जीता। ठीक है जी, और इसके अलावा कहीं भी किसी रिंग में गया तो ये जीता ही रहा। गया, ठीक है जी, वहाँ फर्स्ट आया दो दांत में जी। ये अहमदाबाद गया स्टेट गैलरी शो में जी, वहाँ फर्स्ट आया जी। ये मेहसाणा में सेकंड आया जी, ये जसरा में सेकंड आया जी, ये नागौर गया फर्स्ट आया जी। तो एक अक्सर कहा जाता है कि घोड़े को बनाया गया चैंपियन बना दिया गया, आप क्या मानते हो, घोड़ा चैंपियन पैदा होता है या चैंपियन बनाया जाता है या दोनों ही बातें हैं? इसमें मनु भाई दोनों बातें जी। इसमें क्या होता है, जब आपके पास में मजबूत घोड़ी हो जी तभी चैंपियन घोड़ा पैदा होते हैं। ठीक है जी, और मजबूत घोड़ी होगी जब अच्छा बच्चा देगी जी, उसके बाद में बराबर ये भी रहता है उसको चैंपियन बनाने के लिए ना बराबर मेहनत करनी पड़ती है। मगर उसमें जो पहले का रोल है वो घोड़ी का और घोड़ी का जो जिससे मेट हुई उस घोड़े का बहुत ज्यादा है, वो 100% है, वो तो है, उस काबिल दिया है जी। जैसे मनु भाई मेरे को घोड़ों का नॉलेज मेरे मामा जी मेरे गुरु थे। उनका क्या शुभ नाम है जी? उनका नाम ठाकुर साहब जबर सिंह जी, वासन गांव है जालोर में जी, वहाँ मेरा नाना है जी। तो उन्होंने मेरे को है ना इस घोड़ा, पहले मेरे दादाजी घोड़ा रखते थे एक घोड़ी, फिर मेरे फादर साहब रख रहे थे, फादर साहब की डेथ होगी फिर हम रख ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा भाई तेरे को कमी नहीं है तो घोड़े क्यों नहीं रखते जी। फिर उन्होंने मेरे को कहा ऐसे रख ऐसे रख, उन्होंने जानकारी दी। तो जब मनु भाई बच्चा घर में जन्म लेता है घोड़े घोड़ी का जी, तो अपन को ये नॉलेज होना चाहिए कि ये बच्चा बनने वाला है। हाँ जी, तभी उसमें मेहनत, वो मेहनत करने लायक है तभी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल, और इसमें जानकारी जरूरी है मनु भाई जी। और अक्सर ना जी लोगों का एक सवाल होता है शो में कि हमें कमी बताओ हम मेहनत करेंगे, मगर वो एक बात नहीं समझ सकते कि मारुति कार कभी भी लैम्बोर्गिनी नहीं बन सकती। बिल्कुल नहीं बन, लैम्बोर्गिनी के कैटेगरी में लैम्बोर्गिनी ही होनी चाहिए, उसको रंग पॉलिश कर सकते हो। ये आप मनु भाई आपने सटीक सवाल किया, इसका मैं आपको सही जवाब दे रहा हूँ जी, कि शो के अंदर जी अपन घोड़ा लगाते हैं जी, कोई भाई लगाए जी, तो उसको घोड़े की अगर नंबर नहीं आ रहा है हाँ जी, या सेकंड आ रहा है थर्ड आ रहा है, तो अपन को जजेज को रिंग खत्म होने के बाद में जाके पूछना चाहिए जी, अगर उस घोड़े में फिजिकल कोई प्रॉब्लम है जी, तो वो घोड़ा अपन है ना सही कर देंगे। हाँ जी, और अगर जन्म से उसमें कोई जैसे कान में है, कहीं भी पैरों में है, कहीं भी है, सीने में है, पुट्टे में है,
तो वो अपन है ना, वो सही नहीं कर सकते। बहुत सारे घोड़े आमने सामने जब घोड़े होते हैं उस समय दब जाते हैं जी। आमने सामने की बात है तो देखो मनु भाई, हीरा है ना जी, वो आप कहीं भी डाल लो जी, दबता नहीं है। बिल्कुल जी। अब आमने सामने भी क्या करते हैं लोग, वो ऊपर से देख रहे हैं घोड़े का रूप के घोड़ा एकदम सुंदर है, मेरा घोड़ा क्यों नहीं लगा, उसको ये नहीं पता कि रिंग के अंदर मेडिकल फिट होना चाहिए घोड़ा, टांगों से कांप रहा है तो ऊपर से क्या करेगा, फिर ऊपर से क्या करेगा। कहीं क्या बार ऐसे नासमझ लोग भी होते हैं, वो कहते हैं जज बिक गए, ये हो गए, ये भी गलत बातें हैं मनु भाई। बिल्कुल गलत है जी, मैं नहीं मानता कि जज बिकते हैं। खुद जाके है ना मनु भाई, जाके देखो घोड़े को जी, कि घोड़े में कहां प्रॉब्लम है, घोड़े को देखना पड़ता है। और घोड़े का जब भी दिखेगा, जब आप नजर से घोड़े को जानते, बच्चा उसी का स्वस्थ और नशे से रहता है जी, जिसके माँ बाप उस पे शक करते हैं और गौर करते हैं। बिल्कुल सही बात, सेम वही घोड़े अच्छे बनते हैं जिनके मालिक उसमें खुद कमी ढूंढते हैं, बिल्कुल, ना के जजों में कमी ढूंढते। और मनु भाई मैं तो इस ये छोटा बच्चा था जी, तब से मैं है ना इसको शो में ले जाता था जी, घुमाता था। हमारे को मनु भाई ये पता चलना चाहिए अपने पास में, हाँ जी, है कि घोड़ा डंका है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं दुनिया में, स्टैंड कर अपन शो में ही ले जाए। हाँ जी, कई लोग तो मनु भाई ऐसे लोग हैं जो घोड़े को हजार हजार 500-500 किलोमीटर से लेके आते हैं, हाँ जी, फिर एम्बुलेंस के अंदर डाला हुआ रहता है और कहते हैं वो घोड़ा उतर गया था, ये नहीं उतारेंगे, हाँ वो उतर गया था, ये नहीं आ रहे, घोड़ा को तो रिंग में उतारोगे तो अपन को पता चलेगा नहीं, तभी पता चलेगा जी आप में कितना कैलिबर है, आपके घोड़े में कितना कैलिबर है। लोगों ने कहा मैंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन रिंग में उतारा मनु भाई, जो 42 महीने का घोड़ा था जी, मैं यहाँ उतारा तो मेरे को कई अच्छे अच्छे ब्रीडरों ने कहा जी कि आप भीम सिंह जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने कहा देखो मेरे को पता है मेरा घोड़ा कहाँ स्टैंड कर रहा है जी, और घोड़ा तो रिंग में उतरेगा तब पता चलेगा। हाँ जी। अब जब मेरा घोड़ा सेकंड आया जी, तो मैं घोड़े को रिंग खत्म होने के बाद मैं सारे जजेज के पास गया जी। मैंने कहा इसकी प्रॉब्लम, उन्होंने कहा भाई घोड़ा थोड़ा सा भारी जी, और ये हकीकत बात है मनु भाई जी, थोड़ा सा मैंने किया घोड़े को भारी कर दिया जी, तो वो अब टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो मैंने अभी मेहनत करके सही कर दी। बिल्कुल। अब अगली बार है ना नामचीन से नामचीन घोड़े आएंगे, उसके सामने घोड़ा उतारना मैंने था उनीत भाई को बोला। बिल्कुल जी। और अब इस घोड़ी की माँ के बारे में बात करें जी। इस घोड़ी की माँ मनु भाई, पहली बार जब मेरे मामा जी इनका घोड़े वापिस रख जी, तब उन्होंने 4 साल की घोड़ी दी मेरे को। ठीक है जी। तो फिर यहाँ आते ही इसने पहला ठाण दिया जो लाल मेरे पास से फूल सिंह लेके गया। हाँ जी। मनु भाई फूल सिंह से वो हमारे पास आ गए। हाँ जी। लालवीर जिसका नाम था जी, और वहाँ आपने पंजाब में चैंपियन बना के आपने रविंद्र जी जडेजा को दिया। बिल्कुल सर, अभी भी उनके पास है जी। हाँ जी, उनके पास है टिल डेट घोड़ा। बिल्कुल, वो वहाँ है। दूसरा इसका रिजल्ट था जो मेरे एक मित्र थे उनको दिया, तो वहाँ मनु भाई वो क्या है छूट गया। ओके जी। तीसरा रिजल्ट है सवालक का बेटा मेरे पास मोर 2 ग्रे कलर का, बहुत खूबसूरत घोड़ा है जी। हाँ जी जी, वो 64+ का घोड़ा जी। और चौथा रिजल्ट है अभिजीत जी, जिसकी हाइट 66+ आज है जी। और अभी तो 7 साल तक ये घोड़ा बढ़ेगा मनु भाई, 2 घोड़ा और बढ़ेगा, आराम से जाएगा जी। और पांचवा रिजल्ट इसका है मेरे पास में, इस घोड़ी ने आज तक एक बच्ची दी जी, वो है माँ सुंदरी जो प्रभात की है और पचकल्याण है, वो भी आपने शूट किया जी जी। और फिर छठे बच्चा मेरे पास में सप्ताश का जी, वो अभी 6 में 10 बाकी है, 6 के लगभग। ठीक है जी। और दोबारा घोड़ी किससे प्रेग्नेंट है जी? अभी मैं इसको काला काटा से प्रेग्नेंट करा दिया। ओके। अभी चेक पास नहीं करवाई है जी, 1 महीना 10 हो गए हैं। तो भाई साहब, अक्सर लोग जब ब्रीडर बन जाते हैं तो वो सारा क्रेडिट अपने आप को ही देने लगते हैं, तो आप क्या मानते हो इसमें लक फैक्टर कितना है जी? देखो मनु भाई, लक फैक्टर तो होता ना। हाँ जी। तभी तो अपने घर में ऐसा घोड़ा जन्मता है। बिल्कुल जी। अगर लक फैक्टर नहीं होगा तो ऐसे जीतने वाला घोड़ा थोड़ी जन्मता। देखो ये लक है, कई मैं अपने पे ही बात लेता हूँ, पहले बहुत सालों से हम लोग भी घोड़ियाँ मेट भी कराते रहे, प्रेग्नेंट कराते रहे। बिल्कुल। हमारे घर में एक ही घोड़ा बना। बिल्कुल। अभी एक बच्चा और पैदा हुआ 12 बाद, जो लग रहा है कि शायद कुछ अच्छा बनेगा। जी जी। तो ये लक तो है, कई बार करोड़ रुपए की घोड़ी भी लाख रुपए का बच्चा भी नहीं देती, कई बार आपकी सीधी साधी समझी जाने वाली घोड़ी आपको ऐसे नायाब घोड़े पैदा करके देती है कि एक घोड़ी आपका स्टेबल बना देती है। बिल्कुल। ये जो सवाल आपने किया ना मनु भाई जी,
इसमें क्या है, अब जो जनरेशन है ना जी, वो बहुत ब्यूटी सुंदरता देख के वो है ना बच्ची खरीद के ले जाते हैं कि ये ऐसी बढ़ेगी वो बढ़ेगी जी। ये 100 रुपया घोड़ी है जी, कितनी सिंपल घोड़ी है, बिल्कुल ओरिजिनल मारवाड़ी जो पुरानी घोड़ियां होती ना जी, वो मनु भाई साहब है, आपने देखी है घोड़ी, सूट की है, व्यूअर्स भी देखे, छाती चौड़ी है जी, पुट्ठा सुंदर है, टॉप लाइन अच्छी है, और आज तक इसने जो घोड़े पैदा किए, देखो लालबीर आपने चैंपियन बनाया था जी, मोर दो 4 बार चैंपियन बना हुआ, 3 बार तिलवाड़े में, 1 बार बना हुआ आपने नागौर में जी, अभिजीत 8 बार चैंपियन बना है जी, और जब भी ये करीबन 28 से 1 महीने की होगी मांस कुंदरी, तब मैं इसको उतारूंगा जी शो में, और वो सप्ताह वाला बच्चा है वो अभी छोटा है, लेकिन वो भी मनु भाई साहब मैं आपको एडवांस कह रहा हूँ इसको भी चैंपियन बनाऊंगा, मेहनत पूरी करूंगा। ऑल दी बेस्ट जी, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, और ऐसी घोड़ी जिसने ऑलरेडी चैंपियन पैदा किए तो आने वाले बच्चे भी उसके चैंपियन ज़रूर बनेंगे जी। बिल्कुल भाई साहब, दूसरा सवाल ये, अब आपका घोड़ा चैंपियन भी बन गया और यंग स्टैलियन बन गया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोग आपके पीछे ना पड़े होंगे, जल्दी इसकी मेटिंग शुरू करो, तो किस एज में आपने इसकी मेटिंग शुरू की और टिल डेट अभी तक कितनी घोड़ियाँ मेट कराई आपने? देखो मनु भाई, ये जो आपने सवाल है ना पूछा ना जी, मेरा क्या एक आदत है, मैं झूठ कभी बोलता नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए जी। और मैंने इसको 22 महीने का घोड़ा था, ठीक है जी, तब मैंने मेरे घर की घोड़ियां मेट करवाई, ठीक है जी, उसके बाद में मैंने इस घोड़े को साल भर रोक दिया जी, उसके बाद में मैंने है ना बार मेटिंग देनी चालू की, ठीक है जी। जब इसके रिजल्ट आने चालू हुए जी, तो मनु भाई ये घोड़ा जब मैं लेके गया वहाँ जी अपने शो में जी, फर्स्ट स्टेलियन रिंग में ये घोड़ा उतरा, उस दिन इसका बच्चा भी है ना अपने वहाँ डिस्प्ले में आया। वेरी गुड, तो ये यंग एज पे घोड़े को मेटिंग स्टार्ट करने का यही फायदा होता है जी, कि उसके बच्चे टाइम से मार्केट में आते हैं, और आने वाले जब तक वो खुद जवान होता है तो उसके बच्चे मिल्क टीथ कैटेगरी में शो लड़ने लायक हो जाते हैं। अब क्या है मनु भाई, अब नए नए लोग आ जाते हैं ना जी, वो क्या है, वो खुद अपने आप को 1-2 घोड़ी ले लेते हैं ना जी, तो वो अपने आपको 30 मार का समझने लगे, बिल्कुल जी, फिर वो क्या नए कानून ले आते हैं कि भाई घोड़ा 5 साल तक घोड़ी को मैट नहीं करवानी चाहिए जी, बच्ची को जो है तो उसको है ना 4 साल तक नहीं करवानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए जी, ये शुरू से मनु भाई पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी घोड़ा का जो जिनके हमारे यहाँ मारवाड़ में सब ठिकाना में जो जिसमें मेरा ठिकाना भी है सब ठिकाना में घोड़े है जी, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते आए जी, तो हमारे को ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। और अब जैसे आपको मैंने बोला आपके सामने हम 3 पीढ़ी यहाँ खड़े हैं, हाँ जी, आज घोड़ा उनेद भाई को दिया जी, तो मैं मेरा बच्चा और मेरा पोता तीनों का ही आपने फोटो शूट किया है, बिल्कुल जी, तो हम 3 पीढ़ी ऐसे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, तो आपको गूगल पढ़ के ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमारे ब्लड में है ये ज्ञान। मैं गूगल के बारे में एक बात कहता हूँ जी, गूगल से पढ़ के तो शाही पनीर बनाओ वो सही नहीं बनता, घोड़ा कहाँ बना लोगे। बिल्कुल सही बोला मनु भाई जी, तो पढ़ लेना चाहिए, मगर वो पढ़ाई को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी एक विषय है। एक मनु भाई क्या है, जैसे लोग है ना जी ईगो रखते हैं, हाँ जी, मेरा ये सोच क्या है, जैसे मेरे से पुराने घोड़ा लाइन में है जी, तो हम उनसे भी है ना जाके उनके पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, वो पुराने आदमी हैं जी, उनकी एज हमारे से डबल है जी, तो उनसे भी हम है ना राय लेते हैं जी, तो उनसे भी अपन को सीखना मिलता है, बिल्कुल जी। अभी क्या मनु भाई, नए नए लड़के आते हैं ना जी, वो 2-4 इधर उधर शो देख के फिर वो तो अपने आप को बोलते हैं बस मैं ही हूँ वो, बिल्कुल जी। तो अभी आपने टोटल घोड़ियां इससे कितनी मेट हो गई होंगी यहाँ पे जी? टोटल मनु भाई 83। और आपका फी स्ट्रक्चर क्या था जी? मेरे 59 घोड़ी मैंने शुरुआत 51,000 रुपए से की मनु भाई, ठीक है जी। और फिर क्या मनु भाई, मैं 51 ही रखता था जी, मैंने इसलिए बढ़ाई क्या है कि अभी आजकल के मार्केट में क्या है मनु भाई, अगर घोड़े की फीस नहीं बढ़ाओ ना तो वैल्यू तो नहीं लेते जी, घोड़े को हल्के में ले लेते, बिल्कुल सर, तो फिर मैंने 1 लाख रुपए, ठीक है जी। और 1 लाख फीस ली, तो उसमें कोई आपने ये भी रखा कि हम तो एक बार ही घोड़ा खोलेंगे, 2 बार खोलेंगे? नहीं 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 मनु भाई, ऐसे ऐसे नहीं होता है मनु भाई, मैंने तो मेरे यहाँ एक वीडियो चैनल वाले जो सरवण भाई ने एक वीडियो बनाया मेरा, उसमें मैंने बोल रखा था जी, मैंने कहा 1 लाख रुपया मैं फीस कर रहा हूँ जी, उसमें से हिंदुस्तान में से कहीं से घोड़ी आएगी जी, उस घोड़ी में जिस गाड़ी से आ रही उसका डीजल फ्री है जी,
तीन दिन चार दिन घोड़ी यहाँ जंप ले जब तक रहे, उनके खाने पीने की यहाँ रहने की व्यवस्था सब फ्री है बिल्कुल जी। और मनु भाई लोग लाख लाख रुपए देता है, हाँ जी, तो उनके ऊपर अगर 10,000 रुपए अपन खर्च कर दें जी, तो कौन सा अपन है? ऐसे ही लोग आते हैं, हाँ जी, ऐसे ही आते हैं घोड़े मार्केट, आप देखते हैं मनु भाई आपके पास भी बड़ा फार्म है जी, लोग ऐसे ही आते हैं, 20,000, 25,000, 40,000 का खर्चा एक दिन में हो जाता है बिल्कुल सर। तो वो पैसे दे रहे हैं उनके ऊपर तो अपन खर्च कर नहीं रहे, हाँ, और ऐसे आ रहे हैं उनके ऊपर खर्च करे, जैसे हम नॉर्मल अपने हर एक मेहमान को ट्रीट करते हैं जी, तो वो तो आपका ग्राहक भगवान बन के आया है, आपको पैसे दे रहा है तो उस पर थोड़ा खर्चा करना जरूरी है। वो बेशक जाके होटल में भी रह सकता है जी, मगर कई बार आदमी इन हालातों में आया कि वो घोड़ी से इतना प्रेम करता है, वो होटल में रहता तो किसी सर्वेंट को ही भेज देता, तो खुद आता ही ना, तो उसको रखना हमारे लिए ज़रूरी है जी। तो भाई साहब घोड़ा अब चला गया जी भाई साहब के पास, बिल्कुल उनेद भाई के पास, उनेद भाई साहब से। भाई साहब पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने एक बहुत सुंदर घोड़ा लिया। थैंक यू मनु भाई, थैंक यू। ये घोड़ा आपको कोई रातों रात इसका नहीं सपना आया होगा कि मुझे घोड़ा खरीदना है, अच्छे घोड़े ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, सही है मनु भाई, और उसके लिए फिर आदमी आता है जाता है फिर आता है फिर जाता है, कई बार मालिक मना कर देता है कि यार मुझे घोड़ा बेचना ही नहीं है, तो आप कई बार आदमी अपना मन बदलता है कि नहीं अब कोई और घोड़ा लेंगे, तो ये इस घोड़े के प्रति जो आपकी आशिकी है ये कितना समय चलती रही, कितना समय लगा इस घोड़े को देखने के बाद क्या फील हुआ आपको कि घोड़ा यही लेना है, थोड़ा उसके बारे में हमारे साथ जरूर शेयर करें। मनु भाई ये घोड़े को मैंने 2022 में जी गुजरात शो में देखा था, 2022 में, दो साल पहले, लगभग दो साल पहले जी, तब वो मिलतीत में था जी, और उसी टाइम पे जब ये रिंग चल रही थी जी, उसी टाइम पे मैं और अन्ना जी खड़े थे जी, और उसी टाइम पे मैंने बोल दिया था कि ये फर्स्ट है। वेरी गुड, एक इंस्टिंक्ट होती है, एक समझ होती है कि वो हाउ इज ही प्रेजेंटिंग जी, तब से ये घोड़ा मेरे दिमाग और दिल में है जी, टाइम गया जी, इस घोड़े को मैं फॉलो करता रहा जी, फोकस था जी, उसके बाद फिर ये टूथीट जीता रणसी में, जोधपुर में टूथीट जीता जी, उसके बाद स्टैलियन रिंग में फ्रेश स्टैलियन जी, जिनके सामने बहुत बड़े बड़े घोड़े थे जी, एज वाइज ऑल्सो और रुतबे वाइज ऑल्सो, शो का भी एक्सपीरियंस उन घोड़ों को ज्यादा रहता ज्यादा था, हाँ जी, फिर भी ये फ्रेश स्टैलियन सेकेंड आया बिल्कुल जी, तो ये सब चीजें देख के मुझे और मोटिवेट हुआ जी, करना चाहिए जी। फिर हम लोगों ने, मैंने सीपी बन्ना से बात की जी, अन्ना जी से बात की जी, इंटरनली मुर्तुजा से बात की जी, कि ये करना चाहिए जी, तो वो डिस्कशन के बाद सीपी बन्ना ने भीम जी से बात की जी, तो उनका मन नहीं था जी, फिर हल्लू हल्लू वो चीज़ को मनाया गया और वो आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। ग्रेट, तो काफ़ी एफर्ट लगी एक घोड़ा खरीदने में, और एक लोगों को और बड़ा वहम रहता है जी कि दुनिया के सब घोड़े बिका हुए हैं, पैसा फेंको घोड़ा ले लो, मगर मैं इस बात में यकीन नहीं करता, घोड़ा दाना पानी से आपके घर में आता है, पैसे के जोर पे घोड़ा घर पे नहीं आता, ये मैं 100% एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, आपने थोड़ी देर पहले लक फैक्टर की बात की, बिल्कुल सर, तो ये मेरे राशि में जुड़ा था जी, दिस वॉज इन माई लक जी, ठीक है, तो ये घोड़ा आ गया बिल्कुल सर, पैसे लेके लोग आज भी मार्केट में घूम रहे, इनके साथ ही बहुत लोग मांग रहे थे इनसे, मुझे भी पता है, मैं भी एक दो